जैसे कि ये पीजी दृष्टि कोचिंग के पास है, करीब 300 मीटर है, तो आपके यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और किस तरीके के रूम्स अवेलेबल हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल या फिर उससे जो भी है? देखिए, हमारे पास तीनों तरीके के रूम अवेलेबल हैं, डबल, ट्रिपल और सिंगल। इसमें 3 टाइम का फूड रहेगा पर बच्चे के लिए, अलग अलग अलमारी हैं, ठीक है। AC मिलेगा आपको इसी रूम में। जैसा मैं दिखा दूँ आपको दृष्टि की डिस्टेंस और मेट्रो की डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, आइए एक बार दिखाइए। ये सामने देख रहे होंगे आप, ये दृष्टि की बिल्डिंग है, पीसफुल एनवायरनमेंट में बैठ भी सकते हैं। एक ग्रीनरी आपको भी पता है पॉजिटिविटी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट ओ फ्रेंड्स। अभी हमें नोएडा में दृष्टि IAS की बिल्डिंग के जस्ट नीचे, आप पीछे देख पा रहे होंगे, सो हम इसके आसपास आपको एक गर्ल्स PG दिखाने वाले हैं, जिसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर टूर कराएंगे और साथ ही साथ आप कैसे उनके PG तक विजिट कर सकते हैं, फिर कैसे ले सकते हैं। सो ये आपको कम्प्लीटली वीडियो में डिटेल मिलने वाली है। सो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं ANA PG में और चलिए हम इसको आपको विजिट कराते हैं कि इसमें किस तरीके के रूम्स हैं। और ये गर्ल्स PG है कम्प्लीटली, और ये काफ़ी इको फ्रेंडली और काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है। इसमें रूम्स वगैरह काफ़ी स्पेसियस हैं, तो चल के दिखाते हैं आपको। सो अभी हम PG के फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें 2 यूनिट हैं, एक उस साइड है सेम इसी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कि 4-4 रूम हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, 2 रूम ये हो गए आपके साथ में और 2 रूम ये हो गए। सो चलिए मैं आपको रूम विजिट कराता हूँ और दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रूम है। और ये डबल शेयरिंग रूम है, 107 नंबर आप देख पा रहे होंगे, और कुछ इस प्रकार से हैं। और अभी हमारे साथ हैं गौरव भैया, जो कि इस PG को चलाते हैं, तो इनसे हम डिटेल जानते हैं, साथ ही साथ हम PG को भी विजिट कराएंगे और भी रूम्स दिखाएंगे आपको। तो चलिए बात करते हैं। जैसे कि ये PG दृष्टि कोचिंग के पास है, करीब 300 मीटर है, तो आपके यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और किस तरीके के रूम्स अवेलेबल हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल या फिर उससे जो भी है? देखिए, हमारे पास तीनों तरीके के रूम अवेलेबल हैं, डबल, ट्रिपल और सिंगल, जिसमें अभी हमारे सिंगल ऑक्यूपाइड हो चुके हैं सारे, और डबल हमारे पास कुछ सीट बची हैं अभी, मोस्टली मतलब डबल भी हमारे काफ़ी हद तक ऑक्यूपाइड हो गए और ट्रिपल भी है, तो अभी कुछ सीटें हैं हमारे पास ताकि बच्चे आके अपना विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं PG को। और यहाँ की फैसिलिटी का जैसे कि मैं आपको बता दूँ, जितने भी यहाँ पर रूम हैं उनमें सब में आपको AC मिलेगा, ठीक है। जैसे अलमारी में दिखा देता हूँ एक बार आपको, अलमारी में प्रॉपर है कितना स्पेस है, राइट। ये देखिए, आपको प्रॉपर बड़ी अलमारी मिलेगी, जिसमें ये है कि आप अपनी बुक्स वगैरह भी इसमें इधर रख सकते हैं, और इसमें आपके सारे कपड़े वगैरह सब कुछ आ जाएंगे, राइट। प्लस उसके बाद अपना रूम में बैठ के पढ़ सकते हैं, काफ़ी टेबल वगैरह देख सकते हैं आप अपना, और उसके बाद चेयर वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे, और यहाँ पे AC है, अटैच वॉशरूम मिलेगा, वॉशरूम में आपको गीजर भी मिलेगा साथ में, ठीक है। ये 2 सीटर रूम है और फूड, राइट, इसमें 3 टाइम का फूड रहेगा। और मैं फैसिलिटी की बता दूं, जैसे कि बच्चों को अब मुखर्जी नगर से आ रहे हैं ये लोग, ठीक है, तो अभी यहाँ पे सिक्योरिटी को लेके इतना ज़्यादा नहीं है जैसे मुखर्जी नगर में था, तो हमने लाइब्रेरी भी अपनी बिल्डिंग में ही करवाई है। अच्छा, इसी बिल्डिंग में जो ग्राउंड फ्लोर पे लाइब्रेरी बन रही है, आप कब से वर्किंग दे देंगे उसको? उसको हम 15 डेज के समथिंग वर्किंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी, उसमें लाइब्रेरी स्टार्ट हो जाएगी, ताकि बिल्डिंग से गर्ल्स आराम से लाइब्रेरी में पढ़ लें, उन्हें कहीं बाहर ना जाना पड़े। सिक्योरिटी पर्पज से आपने लाइब्रेरी को इस बिल्डिंग में बनाया, और क्या फैसिलिटीज है? जैसे गर्ल्स PG है तो गर्ल्स वार्डन वगैरह, इसमें देखिए गर्ल्स ही वार्डन रहेगी, और जो हम कुक भी रखेंगे वो भी गर्ल्स रहेंगी यहाँ पे। और फैसिलिटी में जैसे बता दूँ आपको, वॉशिंग मशीन रहेगी, ठीक है, फ्रिज रहेगा, जैसा पहले मैंने बता दिया आपको, AC सारा फुल्ली AC है, और गीज़र रहेगा सारे वॉशरूम में, सारे वॉशरूम अटैच हैं। उसके बाद हमारी किचन है, तो किचन में ये है कि अगर बच्चे को रात में कुछ भी खाना पीना, हम इंडक्शन रखेंगे, तो यहाँ पे आके बच्चा अपने रात में कुछ भी दूध वगैरह गर्म कर ले और खा पी ले, उसके लिए अलग से है। सो आप अभी इस PG में सिर्फ गर्ल्स जो कि कोचिंग्स वगैरह कर रहे हैं, जैसे UPSC की दृष्टि के ही अभी मेन बच्चे आ रहे हैं, इसके अलावा क्या आप कॉर्पोरेट वगैरह के भी बच्चों को रखते हो? नहीं, कॉर्पोरेट नहीं है इसमें, ये स्पेशली दृष्टि के स्टूडेंट्स के लिए बनाई है, जाकि ताकि बच्चे आराम से यहाँ पढ़ सकें, ठीक है। कॉर्पोरेट के साथ आप भी जानते हो मैच नहीं हो पाएगा स्टूडेंट्स का जी, तो उनका लाइफ स्टाइल अलग होता है, इसलिए स्टूडेंट को डिस्टर्ब ना हो, सिर्फ दृष्टि के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं कॉर्पोरेट वगैरह का। बच्चों के लिए सेफ्टी का बिल्कुल कोई इशू नहीं है, 10 बजे हमारा गेट लॉक हो जाएगा, और जब भी अगर बच्चे को कहीं जाना होगा इमरजेंसी में, तो उसके पेरेंट्स से कनेक्ट करके जब भी हम बच्चे को भेजेंगे, और 10 बजे से 6 बजे तक हमारा गेट बंद रहेगा, और जिसमें नीचे बॉर्डर रहेगी हमारी बच्चों की सेफ्टी के लिए। ओके, सो प्राइस वगैरह के बारे में क्या बताना चाहेंगे, या फिर कॉल वगैरह पे नंबर दे दें उस पर? देखिए, प्राइस हमारा बहुत ज़्यादा नहीं है, जिस हिसाब से हमारी फैसिलिटी है, इसमें हम 3 टाइम का खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं, और फूड क्वालिटी भी आप देखेंगे आके यहाँ
विजिट करेंगे, जब बच्चों को देखेंगे, बच्चों से ही खुद रिव्यू लेंगे, तो आपको पता चलेगा हमारी फूड की क्वालिटी कितनी अलग है औरों से, और प्राइस बहुत रीजनेबल है ताकि बच्चा पॉकेट फ्रेंडली है, बच्चों को इतना इश्यू ना हो। राइट, सो आप अभी और पीजी अपना विजिट कराइए, बाकी इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सब वीडियो में मिल जाएंगे, सो इनसे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। आइए, जैसा कि आपको अभी मैंने नीचे टू सीटर दिखाया, और दिखाता हूँ हमारा थ्री सीटर रूम कैसा है। आइए देखिए, जैसा देख सकते हैं आप, गर्ल्स शिफ्ट होना भी स्टार्ट हो गई हैं, तो ये वाला रूम हमारा पूरा ऑक्यूपाइड है और बच्चे ने रहना भी स्टार्ट कर दिया है। ये हम प्रॉपर तीन बेड दे रहे हैं, आप आके क्लोज दिखा सकते हैं, ये प्रॉपर हमारे तीन बेड हैं, ठीक है, और यहाँ हमारी तीन ही अलमारी रहेंगी, पर बच्चे के लिए अलग अलग अलमारी हैं, ठीक है। एसी मिलेगा आपको इसी रूम में, ये टेबल चेयर रहेगी इधर, ठीक है, और साथ ही साथ आप देखेंगे जैसा कि ये अटैच वॉशरूम भी है यहाँ, ठीक है, हर रूम में आपको अटैच वॉशरूम मिलेगा और टेबल चेयर सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी, प्रॉपर बेड और प्रॉपर हर बच्चे का अलमीरा है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया, अभी थ्री सीटर हमारे ऑलमोस्ट बुक हो चुके हैं, कुछ बच्चे कुछ रूम बचे हैं, तो आप आके विजिट कर सकते हैं, बुक करवा सकते हैं अपना, और बाद बाकी हमारा सिंगल सीटर है वो सारे बुक हो चुके हैं, टू सीटर भी बुक हैं और थ्री सीटर भी काफ़ी हद तक बुक हो गए हैं। तो हमारा ये है, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे हम, और उसके बाद ऊपर भी मैं चल के आपको दिखा देता हूँ, जो हमारा मेनली कैफेटेरिया रहेगा वो हमारा ऊपर रहेगा, और ऊपर से मैं एक बार आपको ये भी दिखाऊंगा कि दृष्टि हमारे पीजी से कितनी डिस्टेंसिंग पे है। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऊपर टॉप फ्लोर पे मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से दृष्टि कितनी डिस्टेंस पे है। तो ये हमारा टॉप फ्लोर है जहाँ हमारा कैफेटेरिया रहने वाला है, तो बच्चे को 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, ऊपर चल के आना है, तो इसमें बच्चे को कोई इशू ना हो ऊपर तक इतना चल के आने में, तो हमने इसमें लिफ्ट भी रखी है बिल्डिंग में, ताकि बच्चा आराम से ईजिली आ पाए। जैसा मैं दिखा दूं आपको दृष्टि की डिस्टेंस और मेट्रो की डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, आइए एक बार दिखाइए। ये सामने देख रहे होंगे आप, ये दृष्टि की बिल्डिंग है और सामने ही ये सेक्टर 15 का मेट्रो स्टेशन है, ठीक है, और बच्चों का ये है जैसे अगर पढ़ाई करके आते हैं वो, ठीक है, उन्हें बैठने के लिए एक अच्छा सा एनवायरनमेंट चाहिए होता है, तो उसमें हमने बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट, पॉजिटिविटी के लिए एक छोटा सा टेरिस गार्डन रखा है, ताकि बच्चा आराम से अपना बैठे शांति से, एक पॉजिटिविटी के साथ अच्छे से शांत बैठ के फिर अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। आइए मैं आपको एक बार टेरेस गार्डन भी दिखा देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये हमारा टेरेस गार्डन है, ठीक है, फुल ग्रीनरी के साथ है, बच्चे अपने कपड़े सुखा के भी यहाँ पे टेरेस पे अच्छे से मतलब कपड़े धो के भी बच्चे यहाँ से सुखा सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पीसफुल, ठीक है, तो इसीलिए हमने पूरा ग्रीनरी करवाया हुआ है ये एरिया, ताकि बच्चा आराम से स्ट्रेस फ्री होकर यहाँ बैठ सके। और उसके बाद आप इधर का देख सकते थे, व्यू भी बहुत अच्छा था, जैसे कि ऊपर दिखाया भी था आपको। और देखिए, जैसा आपको पता है ये एरिया नया है मुखर्जी नगर से, बच्चों ने एकदम से यहाँ पे शिफ्ट होना स्टार्ट किया है, तो बच्चों को क्या है, नए पीजी में कुछ भी मतलब खिलाने को डाइट वगैरह अच्छी नहीं दे रहे हैं, किसी भी चीज़ का होता बच्चों को बाद में पछतावा ये होता है कि मेरे को ये चीज़ें नहीं प्रोवाइड करवाई गई, हमारे पीजी में सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है आपको, बच्चों को ये नहीं लगेगा कि हमें ये फैसिलिटी नहीं मिली और हमें ये बताया गया था, सारी फैसिलिटी मिलेंगी आपको, और कुछ भी पछतावा इस चीज़ का नहीं होगा कि हमने गलत पीजी ले लिया। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने कम्प्लीटली इस पीजी का टूर करवाया, सो आई होप आपको ये पीजी अच्छी लगा होगा। साथ ही ये दृष्टि आईएएस जो कोचिंग है नोएडा में अभी शिफ्ट हुई है, उसी के जस्ट पास ही है 300 मीटर, आप इनसे कॉल करके प्राइस डिटेल, पिक्स, फोटो, वीडियोस मंगवा सकते हैं या फिर आके विजिट कर सकते हैं, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस पीजी में ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि आपको अपनी स्टडी को करने के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। सो थैंक यू, जय हिंद।